हेलो फ्रेंड्स वेलकम हेयर हव आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डिंग गुड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन चाहे आप कॉन्टेक्ट में हैं चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हैं लेकिन थोड़ा टाइम तो हो गया है आपको उनसे फेस टू तो फेस मिले रूबरू हुए या फिर आप कभी नहीं मिले हैं उनसे अभी तक लेकिन प्यार है कनेक्शन बहुत गहरा है एंड आज है हग डे तो हग डे स्पेशल वीडियो है ये एंड uh, मैं गाना गुनगुनाती हूँ डैम श्योर sure, आपको समझ में आ जाएगा ये रीडिंग किस टॉपिक पर होने वाली है लग जा गले के फिर ये हसी रात हो ना हो शायद फिर जन्म में मुलाकात होना हो लग जागले के फिर ये हसी रात होना हो तो आज की रीडिंग में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर रियल में आपको मिलना चाहते हैं एंड मिलकर आपको एक हक देना चाहते हैं प्यारा सा क्या वो आपको मिलना चाहते हैं आपको प्रपोज करना चाहते हैं आपको कन्फेस करना चाहते हैं आपको हक करना चाहते हैं राइट तो देखते हैं कि आपके रिश्ते में सबसे पहले चल क्या रहा है ओम साई राम एक कार्ड उठाते हैं आपके रिश्ते में क्या चल रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है जामनाई लिब्रा एक्वेरियस आप या आपके पर्सन सन मून वेनस राइजिंग में हो सकते हो एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड है एंड इन्फ्लुएंस लग रहा है फैमिली फैमिली इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है आप लोगों के रिश्ते के दरमियान जिसकी वजह से आपका रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा या बढ़कर टूटने की तगार पर है या फिर रिकनसीशन का बेसब्री से वेट है ये पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं मिलना चाहते हैं बात करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं फैमिली से फैमिली ने सब कुछ रोक के रखा है एंड फैमिली इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दे रही एक्सेप्ट नहीं कर रही या फिर आफ्टर एक्सेप्टेंस इस रिश्ते में एक ऐसा मोड़ आ गया है जब डाइवोर्स की तगाड़ पे आपका रिश्ता खड़ा है एंड सब कुछ टूट कर बिखरने वाला है वन मोर कार्ड फॉर यू ओम साई राम थ्री ऑफ पेंथिकल्स आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है टॉरिस वर्गो कैप्रिकॉन भी आप या आपके पर्सन हो सकते हैं एंड इस पर्सन का कैरियर इस पर्सन की फ़ैमिली आपका कैरियर आपकी फैमिली ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ना तो आपका रिश्ता आगे बढ़ पा रहा है और अगर कभी मैरिज तक गया भी था तो आफ्टर डैट आप लोग सेपरेशन में हैं एंड वेट कर रहे हैं रिकन्सिलेशन का बिकॉज लगातार आपके पर्सन को मैन्युपुलेट किया जा रहा है भड़काया जा रहा है परेशान किया जा रहा है राइट right? देखिए गाई ये जनरल रीडिंग है जितनी रेजोनेट करे उसको रखें और बिल्कुल रेजोनेट नहीं कर रही तो मत देखें बहुत सारी रीडिंग्स रीडिंग मैं डालती रहती हूँ तो कोई और रीडिंग होगी जो आपसे रेजोनेट कर जाएगी लेकिन जहाँ पर जो सिचुएशन दिख रही है मैं वही बता रही हूँ एंड uh, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको लव नहीं करते ये पर्सन बहुत लव करते हैं लेकिन ये पर्सन फैमिली से उतना ही डरते हैं और ये डरते इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी फैमिली बहुत डोमिनेंट है डोमिनेंट भी हो सकती है कुछ लोगों की फैमिली लेकिन ये डरते इस वजह से हैं बिकॉज ये अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहते हैं नाराज नहीं करना चाहते और ये उनको काफी अच्छा समझते हैं और उनकी काफी मानकर चलते हैं और जब ये बहुत ज्यादा उनके सुनते हैं बहुत ज्यादा उनके मानते हैं तो वो गलत गलत बातें इन्हें सिखाकर इन्हें मैन्युपलेट करते हैं राइट तो ये कार्ड अब तक ये बता रहे हैं कि आप लोगों के रिश्ते में ये सब चल रहा है अब देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए ओम साई राम करंट फीलिंग्स हैं नाइट ऑफ सोर्ट्स ओम साई राम वन मोर कार्ड एंड जजमेंट करंट फीलिंग एक तो ये है कि ये पर्सन आपको बहुत जज कर रहे हैं आपको तराजू में कटखरे में खड़ा कर दिया है बिना किसी जुर्म के नापा जा रहा है तोला जा रहा है क्या गलतियों आपकी गलतियों को हाईलाइट किया जा रहा है एंड इस पर्सन की वाइब्रेशन ऐसी है कि ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं एंड फास्ट एंड फ्यूरियस वे में लेना चाहते हैं काफ़ी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये रिकन्सिलेशन हार्ट चाहते हैं बाय हार्ट ये रिकन्सिलेशन चाहते हैं ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके लाइफ में बिकॉज यहाँ जजमेंट है लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी होता क्या है कि जब इनको मैन्युपलेट किया जाता है तो ये रिवर्स ही रिएक्शन देते हैं ये आते हैं लड़ झगड़ के चले जाते हैं रिकन्सिलेशन जैसी कुछ वाइब्रेशन नहीं आ पाती एंड ऐसा लगता है कि जैसे डाइवोर्स या फिर सेपरेशन या फिर कभी होकर ही रहेगा या फिर कभी मैरिज तो हो ही नहीं सकती इस पर्सन के साथ लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चाहते नहीं है ये पर्सन चाहते हैं करंट फीलिंग्स ये हैं ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके बारे में काफ़ी ज्यादा सोच रहे हैं इस रिश्ते में री ग्रोथ न्यू न्यू बिगनिंग चाहते हैं लेकिन जो ये चाहते हैं हमेशा एक्शन उससे रिवर्स हो जाता है एक्शन कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसमें लगता है कि अब तो चीजें सही हो ही नहीं सकती चाहे वो रिकन्सिलेशन की हों चाहे वो मैरिज की हों एंड इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा टू ऑफ स्टोर्ट्स नेक्स्ट एक्शन भी इनका यही है कि ये पर्सन बाय हार्ट से बहुत कुछ सोचेंगे मैनिफेस्ट करेंगे इंट्यूटिवली ये पर्सन आपको लव करते हैं लेकिन नेक्स्ट एक्शन में इनका अगेन ये है कि दो uh, दो सिचुएशन में ये कंफ्यूज रहेंगे एंड एकदम से कोई एक्शन इनका आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा वन मोर कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन ओम साई राम डेथ आप में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता या तो मैरिज हुई ही नहीं है या फिर मैरिज होकर सेपरेशन है या फिर डायवोर्स का केस चल रहा है तो एक ऐसी सिचुएशन में है जब आपको लगता है कि अब इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग न्यू न्यू ग्रोथ या फिर मैरिज हो ही नहीं सकती अब डेफिनेटली इस रिश्ते का डी एंड हो जाएगा क्योंकि तो ये कार्ड्स भी यही बता रहे हैं कि ये पर्सन फैमिली से बहुत डरते हैं फैमिली से बहुत इन्फ्लुएंस हैं फैमिली से काफ़ी इम्प्रेस भी हैं उनके काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं आपको लव तो करते हैं लेकिन फैमिली मैन्युपुलेट इतना ज़्यादा करती है कि इनको ऐसा लगता है कि या तो ये आपसे मैरिज कर ही नहीं सकते और अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो इन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा बुरा इंसान इनके लाइफ में कोई और हो ही नहीं सकता बिकॉज इतना ज़्यादा मैन्यूपुलेशन है ये पर्सन बाय हार्ट आपको लव करते हैं लेकिन वो सारी लेयर्स जो लव की हैं उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स चढ़ गई हैं मैन्युपुलेशन की जिसमें इन्हें लगता है कि सारी गलती आप ही की है एंड नेक्स्ट एक्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने बहुत सारे लोगों पर डाइवोर्स सेपरेशन का केस डाला है एंड ये पर्सन डाइवोर्स लेना चाहते हैं और नेक्स्ट एक्शन ये भी दिखाई दे रहा है कि डाइवोर्स का केस फाइल करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे प्लीज़ आप लोग नेगेटिव मत होना ये पर्सनल रीडिंग नहीं है ये जनरल रीडिंग है आपकी पर्सनल रीडिंग इससे डिफरेंट हो सकती है लेकिन वहीं ये पर्सन कंफ्यूज भी हैं तो कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट है वो एक पॉजिटिव है कि अगर ये डाइवोर्स लेना चाहते हैं सेपरेशन होना चाह लेना चाहते हैं या आपको छोड़कर किसी और से शादी करना चाहते हैं जो कि इनकी फैमिली के इन्फ्लुएंस में ये कर रहे हैं लेकिन ये पूरा प्रॉपर डिसीज़न उस फेवर में भी नहीं ले पा रहे अगर इनकी फैमिली सोचे कि ये पूरी हमारे फेवर में डिसीज़न ले लेंगे तो टू ऑफ शोर्ट्स है अगर ये पूरी तरह आपके फेवर में नहीं है तो पूरी तरह उनके फेवर में भी नहीं है तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है एक और कार्ड निकाल लेते हैं आगे के लिए फोर ऑफ़ फैंट्स जो कि मैंने बोला कि ये पर्सन ऑलमोस्ट कन्फ्यूज़ है एंड यहाँ पर फोर ऑफ़ वांड्स एक बिग पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी मैरिज लाइफ और एक रिकन्सिलेशन करे और ये कब करेगा फोर ऑफ बैलेंस इज़ द कार्ड ऑफ़ फोर ऑफ वांड्स इज़ द कार्ड ऑफ बैलेंस जब आप लोगों के रिश्ते में बैलेंस आएगा इक्वल गिव एंड टेक आएगा स्परिचुअल आप लोग अवेकन हो जाओगे पॉजिटिव आप लोग सोचोगे इस पर्सन को आप लोग मैनिफेस्ट करोगे सारे कार्ड्स रिवर्स पे है एग्जेप्ट जजमेंट एंड फोर ऑफ मैं जो कि ये बताता है कि री ग्रोथ री बिगनिंग डेथ के बाद जजमेंट जजमेंट के बाद डेथ सब एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं तो डिप्रेस या परेशान होने की बिल्कुल कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है स्टिल uh, अगर आप वेट कर रहे हैं तो वेट एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ही करना चाहिए तभी पॉजिटिव होता है अदरवाइज उस वेट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता तो ये पर्सन एक हैप्पी मैरिज लाइफ भी दिखाई देती है और फोर ऑफ मैं एक ऐसा कार्ड है जिसमें मैरिज सेलिब्रेशन और रिकनसिलेशन या एंगेजमेंट बहुत सारे ग्रुप में नहीं होती इसमें कुछ लोग होते हैं जो एंगेजमेंट मैरिज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं वो कोर्ट मैरिज हो सकती है लीगल मैरिज हो सकती है टेम्पल में एक सिंपल मैरिज हो सकती है सिंपल रिलीजियन कस्टम मैरिज हो सकती है जिसमें बहुत बड़ा बिग रिसेप्शन uh, नहीं है बिग गेट टुगेदर नहीं है अब देखते हैं जब ये पर्सन मैक्सिमम मुझे लग रहा है या तो ये नो no कॉन्टैक्ट में है आप लोगों के साथ या फिर बहुत ही लेस कॉन्टैक्ट में है बिकॉज कार्ड से ही बता रहे हैं तो अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये पर्सन आपको मिलकर आपको गले लगाना चाहते हैं आपको दिल की बातें बिना कहे महसूस करवाना चाहते हैं ओम साई राम टेम्प्रेंस अ बिग यस बिग बिगेस्ट यस हेयर ये पर्सन चाहते हैं आपको गले से लगाना अपनी धड़कनों को आपको सुनाना और आपको ये एहसास दिखाना दिलाना कि आपसे कितना लव करते हैं क्योंकि जब ये पर्सन बोलते हैं तो उल्टा ही बोलते हैं एंड उसमें नफरत ही झलकती है लेकिन यह पर्सन लव करते हैं टेम्परेंस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग टेम्परेंस इज़ द कार्ड ऑफ हार्ट हीलिंग ये पर्सन का हार्ट चक्रा आपके लिए अभी भी ओपन है ये बहुत प्यार अभी भी करते हैं एंड ये आपको गले लगाना चाहते हैं एंड आपको बताना चाहते हैं कि हाउ मच दे लव यू और साथ ही में ये आपको गले लगाने के लिए काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं बिकॉज टैम्परेंस टेम्परेंस एक वेटिंग एनर्जी है कि ये पर्सन चाहते हैं लेकिन ये पर्सन खुद वेट कर रहे हैं और वेट करें भी क्यों ना जब भी फ़ोन पर बात होती है या फिर मिलने की बात होती है आर्ग्यूमेंट रेज हो जाते हैं ये खुद वो चीज़ सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं कि जब आप लोग पोलाइटली और लविंगली एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाते ये सिचुएशन सारी क्रिएट भी तो इन्होंने की है बट स्टिल इनका हार्ट चाहता है आपको गले लगाना आपको गले लगा कर घंटों बैठना और बिना कुछ बोले बिना आर्ग्यूमेंट करे बिना पास्ट और बिना फ्यूचर के डिस्कशन करे चीजों को पॉजिटिवली स्पेंड करना उस टाइम को प्रीशियसली स्पेंड करना होता हमेशा उल्टा है लेकिन ये पर्सन कुछ और ही चाहते हैं राइट right? तो डेफिनेटली अ बिग अ बिगेस्ट यस ये चाहते हैं आपको गले लगाकर घंटों बैठना और बोलना चाहता नहीं क्योंकि टेम्परेंस में कोई इंसान ज़्यादा बोलता नहीं है और वैसे भी जब ये बोलते हैं तो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाते होंगे बिकॉज़ मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है तो इन पर्सन को लगता है कि क्या कभी इनके लाइफ में इतनी शांति आएगी इतना पीस आएगा कि आप दोनों एक एक ऐसी पोजीशन में बैठे होंगे जब गले लगाओ एक दूसरे को और घंटों बीत जाए पूरी रात बीत जाए पूरा दिन बीत जाए और इस मोमेंट का ये पर्सन काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं टेम्परेंस एनर्जी है यहाँ पर तो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड एक एडवाइस कार्ड भी निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए कि अभी आपको क्या करना चाहिए सिक्स ऑफ वैंड अभी आपको अपनी लग्जरी अपनी वेल्थ अपनी कैरियर पर फोकस करना चाहिए ठीक है जो कि इस पर्सन को अट्रैक्ट करेगा रिकन्सिलेशन करने के लिए मैरिज करने के लिए तो ये थी गाइस आप लोगों की रीडिंग होपफुली रिजनेट की होगी पसंद आई होगी फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं वो रीडिंग्स पेड होती हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे टेक केयर